केंद्र और प्रदेश की सरकार घोटालों की सरकार है। रीवा शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के बैनर तले एक पत्रकार वार्ता हुई, जिसमें संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा, महापौर रीवा, जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर साधा निशाना। रीवा शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता करके भाजपा सरकार पर घोटाला सरकार होने का आरोप लगाया। उनका साफ तौर से कहना था, यह घोटालों की सरकार है, जन्म से लेकर इनके घोटाले प्रारंभ होते हैं, जैसे आयुष्मान घोटाला, पोषण आहार घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, नौकरी के लिए व्यापम घोटाला, इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, भगवान के नाम पर इन्होंने घोटालों की, यह घोटालों की सरकार है। रीवा के सेलिब्रेशन होटल में संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा, महापौर रीवा, जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए जिला कांग्रेस अध्यक्ष और महापौर रीवा ने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जैसे ही वो पैदा होता है वहां से घोटाले भारतीय जनता पार्टी के शुरू हो जाते हैं। कैसे शुरू हो जाते हैं? सबसे पहले आयुष्मान घोटाला, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो पोषण आहार का घोटाला, पोषण आहार के घोटाले से निकल के बच्चा जैसे स्कूल में जाता है तो छात्रवृत्ति घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला से ऊपर निकलता है तो यूनिफॉर्म का घोटाला, और इसके बाद आप मानिए जब वो युवा हो जाता है, रोजगार मारता है, तो व्यापम घोटाला। पैदा होने से लेके और नौकरी पाने तक सिर्फ घोटाला। इसके बाद भगवान के साथ घोटाले शुरू होते हैं। महाकाल का निर्माण किया, उसके नाम पे पता नहीं कितना अरबों का खेल हो जाता है। आगे काम करिए जो जनता के हित के हैं, तो बिजली का घोटाला, पेंशन घोटाला, जन जन के साथ घोटाला, स्वास्थ्य का घोटाला, टेंडर घोटाला, पोषण आहार घोटाला, खाद बीज यूरिया घोटाला, हर चीज में घोटाला घोटाला। ये तो घोटाला की सरकार है। इनको तो ये जवाब देना चाहिए, इन घोटालों पे जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं अगर आप गिनाओ तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी, आप ही लोगों ने भी छापा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश फिसड्डी, निवेश की इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहाँ है निवेश? मध्य प्रदेश का निवेश दिखाओ। मैं तो पास का उदाहरण आपको देता हूं कि आप यही देखो, कुछ दिन पहले बहुत प्रचारित हुआ था कि कौन कौन सी कंपनियों ने सिरमौर के पास जमीन ली थी। 35 MOU हुए थे और उन 35 MOU में एक भी इंडस्ट्री सिरमौर में किसी को दिखी? जमीनें ले ली गई, सरकारी जमीनें दे दी गई, किसानों की जमीन ले ली गई, उन जमीनों को बैंकों में रख के पैसा ले लिया गया, और कहां है वो? जब हमने ये रीवा का बड़ा घोटाला कहलाएगा, ये रीवा का बड़ा घोटाला है और बड़ा घोटाला है, और हम लोग रीवा में रहते हैं तो हम लोग ये घोटाला मिल गया हम लोग को। पता नहीं ऐसे घोटाले मध्य प्रदेश में कहां कहां कितने हो रहे हैं। अच्छा, जब उन्होंने हमसे कहा कि आप अपनी जमीन हमको 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए एकड़ दे दो, ये बोला तो हमको ये भी कहा कि हम साथ में रोजगार देंगे, और उसका बकायदा हमसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कराया गया। अब जब आपने रोजगार ही नहीं लगाया तो नौकरी कहां से दोगे? तो जमीन ठग ली गई किसानों से। आगे भी हमारी ये मंशा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, वो सारा भ्रष्टाचार हम रोक देंगे। 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर और 15 साल राजेंद्र शुक्ला जी यहाँ विधायक थे और मंत्री थे पावरफुल, और उन्होंने इस शहर के छोटे शहर को विकास नहीं किया, और 7 महीना में जो जनादेश रीवा की जनता ने एक सेवक को दिया है, उसने ये साबित कर दिया है कि विकास इच्छा शक्ति से होता है, अपने मन से नहीं होता है। और मेरी इच्छा शक्ति थी और मैंने विकास के लिए जनता का साथ लेकर विकास चालू किया। उन्होंने रीवा का विनाश करके सिर्फ रीवा की जमीनों को बेचने का काम किया। घोषणा वीर कुछ भी कहते रहे, झूठ बोलने की मशीन हो गई हो, घोषणा करने की, मैं तो घोषणा करने की मशीन हूं, स्वयं शिवराज सिंह कहते हैं। आप बताइए, आप जनता के सेवक हो या घोषणा करने की मशीन हो? आप रीवा की बात करें, वो कहते हैं हवाई अड्डा नया बन रहा है, काय का हवाई अड्डा बन रहा है? हवाई अड्डा तो कांग्रेस की सरकार में बन चुका था, और उसको आप जीर्णोद्धार कर रहे हो या उसका विस्तार कर रहे हो, तो उसकी भूमि अधिग्रहण करो, उसका पूरा नक्शा जनता के सामने रखो, और उसमें ये कहिए आप कि ये विस्तारित हो। आज हमें पूछने का अधिकार है, 18 साल में क्यों नहीं बना?
केंद्र में 9 साल से भारत सरकार है, क्यों नहीं हवाई अड्डे का विस्तार हो सका, क्यों नहीं आधुनिक हवाई अड्डा बनाया जा सका। चुनाव आ गया तो हवाई अड्डे के ऊपर नए हवाई अड्डे की पूजन कर रहे हो आप, जो हवाई अड्डा पूर्व से विद्यमान है। आप नई भूमि अधिग्रहण करके विस्तारित जगह पे करते तब मालूम पड़ता कि ये हमारा एक एसेट है, रीवा के लिए मिलने वाली चीज है।